तो किसी को मेरे पे गर्व हो या ना हो, पर मुझे अपने ऊपर इतना गर्व है ना दोस्तों। 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मैंने अपने जीवन में इतने कष्ट देखे, बहुत कष्ट देखे। ये कोई मैं मनोरंजन नहीं करी, अपने दिल की बात आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ कि इतने कष्ट देखे कि भाई शादी हुई तो पतिदेव नौकरी में ही नहीं था। मतलब समझो कैसे हमने दिन गुजारे होंगे उस समय। नई नई शादी में जहाँ औरत का मन करता है यहाँ जाए हनीमून मनाने, वहाँ जाए कहाँ जाए, पर इन चार दीवारों में हमने समय गुजार दिया। चलो जैसे तैसे कितने महीने तक पति देव की नौकरी नहीं लगी, बहुत कष्ट देखे हैं। और लेकिन मुझे अपने ऊपर गर्व इसलिए ये है कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं करा, यानी कि लड़केबाजी का। मुझे भाई मेरे माँ बाप ने मेरे पति के साथ मेरी संबंध बनाए, शादी कर दी, बस उनसे ही एक संबंध है। लेकिन और किसी से मेरे को नहीं होता कि हमारे घर में खाना नहीं है तो इनके आगे हाथ फैलाऊं, नहीं। जैसा था घर में मैंने अपना ना मायके वालों को बताया, ना ससुराल वालों को बताया, किसी को भी नहीं बताया अपने घर की प्रॉब्लम। और मैं बहुत लड़ी हूँ अब हिम्मत करके, ठीक है। इस वजह से मुझे अपने ऊपर गर्व होता है। मैं मोहल्ले में भी चिल्ला चिल्ला के लड़ लेती हूँ क्योंकि मैंने कोई लड़केबाजी नहीं की। पता है कौन सी औरत जीतती है जो गलत काम करती है? वो औरत डरती है कि हाँ भाई मैंने गलत काम करा, कहीं हमारी पोल पट्टी ना खुल जाए, हो जाती है लड़ाई झगड़ा कुछ भी। लेकिन भाई मेरे को इस बात का, और ना मैंने किसी पड़ोसी के आगे ऐसे करा। प्रभु बस उनकी दुआ चाहिए मुझे। नमक के साथ भी खाया ना, अपने घर पर रही हूँ, ठीक है। किसी के आगे कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छी जिंदगी, उससे ज़्यादा अच्छी जिंदगी। भाई संघर्ष करते रहते हैं ना, तभी पता चलता है जिंदगी का कि कैसे हम जिंदगी जी रहे हैं। मुझे बहुत काम करने हैं, अच्छे बहुत काम नहीं बहुत सारे। जो ये मेरे सास ससुर का घर है ना दोस्तों, उसे सही करना है, बहुत अच्छा घर बनाना है इसको, बहुत अच्छा। इस संसार से जाते जाते बस लास्ट तमन्ना यही है कि इस घर को बहुत अच्छा बना दे। इस घर के पीछे बहुत जने पड़े हैं, बहुत झने पीछे पड़े हैं, बहुत झने, सिर्फ मेरे पति की गलती से, किसी की गलती से नहीं पड़े पीछे, मेरे पति की गलती से घर के बहुत झने पीछे पड़े। और मेरा पति सोचता है कि उसकी वजह से बच रहा है ये घर। अगर हम कमज़ोर पड़ जाए ना तो ये लोग हमें इस घर से बाहर निकाल देंगे। दोस्तों मैं उत्तराखंड की हूँ, दिल्ली में मेरा जन्म हुआ है, यहाँ जाट गुज्जरों के साथ रहती हूँ। जाट गुज्जरों के साथ डरा के जाते हैं मेरे को कि घर से निकाल देंगे, अगर हम अपने में आ गए तो तुम सड़क में बैठी रहोगे, मुझे डरा के जाते हैं। मैं कहती हूँ जो होगा देखा जाएगा। मैं कोई कंप्लेंट नहीं करती क्योंकि भाई गलती मेरे पति की है, मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं करानी, सिर्फ ऊपर वाले का हाथ है मेरे सर पे। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2 मिनट में हमारा समाचार बना, ये रसोई पता है, रसोई मुझे सही करनी है। इसका सारा जो मैं मसाला करती हूँ ना मेरी नाक में घुस जाता है, इतनी गंदी रसोई करके गया वो राक्षस। ये देखिए इतनी सी जो उसने टाइल लगाई थी ना, ये देखो ये वाली टाइल, इतनी से उसने आगे नहीं करी इतनी, और मेरे को दे रहा है एडवाइस कि अरे ये क्यों लगा रही हो बेकार में। मैंने कहा भैया मुझे बार बार धोने गुसल खाने में जाना पड़ता है, तू मेरे मर्जी का कर दे, मैं तेरे को पैसे दे रही हूँ, कोई फ्री का नहीं करवा रही काम, ठीक है। पैसे देते हैं तो उसके बावजूद भी ये मिस्त्री लोग काम नहीं करते, हमें तो सब लोग ऐसे ही टकराए।
ये देखिए इतनी धूप है यहाँ पर कि हम बाहर नहीं आ सकते यार। किसके लिए करूँ मैं मेहनत, क्या करूँ, कुछ नहीं समझ आ। बच्चे बेचारे इतने सक्षम नहीं है मेरे, बेचारे अपने में ही उलझे हैं मेरे पति। एक इंसान बहुत परेशान है इस दुनिया में, कहते हैं ना कि दूसरों का दर्द, अपना दर्द भी कम लगता है दूसरों के आगे। अगर मैं किसी और का दुख दर्द देख लूँगी तो मुझे अपना दर्द कम लगेगा। मैं कहूँगी अबे छत के नीचे तो रह रही हूँ यार। और उनका सोचो जिनके पास छत नहीं है, खाने को नहीं है, वही सोच के मैं अपने मन को मलाज जाती हूँ। फिर भी दुनिया वाले हमें पता है जीने नहीं दे रहे, घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सोच रहे हैं ये बेचारे मेरे ससुर जी का है, वो उन्होंने मोदियों में काम करा था तब जाके ये मकान मिला है उनको, उसके बाद हमने इसमें कोई रिपेयरिंग नहीं कराई क्योंकि क्या बताएं, तब जाके लोग बाग हमारे ऐसे पीछे पड़े, शर्म भी नहीं आती। उनके माँ बापों को भी मोदियों का यही मकान मिला, यहाँ पर सारे मोदियों में जो काम करते थे ना सबको वही मकान मिला, फिर भी अपने मकान से पेट नहीं भरता दुनिया का, दूसरों के मकान में आँख गाड़ कर बैठे हुए। क्योंकि इस जन्म में तो मैं बहुत सुनने आई हूँ सबकी, जो काम मैंने नहीं करे उसकी भी मुझे सजा मिल रही है। कोई बात नहीं, जब तक सहन है, जब तक सहन कर सकती हूँ सहन करती हूँ, उसके बाद किसी को कोई कष्ट नहीं पहुँचाऊँगी किसी को भी।